बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आपका रोशन डोमिंग के बौद्धिज्म बौद्ध धर्म के एपिसोड में। आज हम उस स्थान पर, उस पवित्र स्थान पर, उस महान स्थान पर जो कि बिहार का ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया का, पूरे विश्व का अब तक का पाया जाने वाला सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप पाया गया है, जो आप हमारे सामने पीछे देख रहे होंगे, ये वही बौद्ध स्तूप है, ये विश्व विख्यात बौद्ध स्तूप है, जिसके निर्माण कार्य को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर पूरे विश्व भर में चर्चा रही है। तो आइए जानते हैं जगह के बारे में विस्तार से शुरू करें। जो विशाल स्तूप आप हमारे सामने देख रहे होंगे, लगभग ये मान लीजिए ये वर्तमान तक का, जो अब तक का ये पाया जाना, जितने ही बौद्ध स्तूप पूरे विश्व भर में पाए गए हैं, उस स्तूपों में सबसे विशाल, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यही है। अगर बात की जाए इसकी ढांचे की, जो इसका स्ट्रक्चर है, इसके आयत के बारे में, इसकी जो हाइट है वो क्या है, तो इसकी लगभग जो हाइट है, टोटल हाइट लगभग 131 मीटर की हाइट है, और इसका जो व्यास है ना, जो आप देखेंगे डायमीटर जो पूरा गोल होता है, वो तकरीबन 123 मीटर का है। और इसके ऊपर वाले भाग की बात करेंगे, उसके टॉप की जो बात कर रहे हैं, उसका भी व्यास लगभग जो है, जो हाइट कहेंगे वो 10 मीटर का है। और उसकी जो वो कहते हैं डायमीटर, उसकी डायमीटर जो कहेंगे, जो व्यास कहेंगे, वो 31 मीटर का है। और देख रहे होंगे इस पूरा एरिया लगभग 23 से 24 एकड़ के जमीन भूभाग में, भूखंड में फैला हुआ ये विशाल बौद्ध स्तूप है। अब तक आप जितने बौद्ध स्तूप देखे होंगे, जितने भी चीज़ें जो मैंने दिखाया अब तक अपने वीडियो में, अभी तक में सबसे विशाल बौद्ध स्तूप, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप पूरे विश्व का गौरव की बात है कि वो बौद्ध स्तूप हमारे इस बिहार में है, इस मगध की मिट्टी में है। और इसके निर्माण को लेकर बहुत सारे मिथ्य बताए गए हैं, सत्य है क्या है, लेकिन जो साक्ष्य मिले उस अनुसार इसका जो निर्माण है दो चरणों में हुआ है। पहला सुंग और कुषाण वंश के शासनकाल में इसका निर्माण किया गया था, और उसके बाद जो है, इसके बाद वो लगभग 200 से 300 शताब्दी ईसा पूर्व किया गया, और फिर इसके लगभग 700 से 800 वर्ष बाद, यानी कि चौथी से पाँचवीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया, गुप्ता काल के पीरियड में किया गया। और इस स्तूप के लेके ऐसी मान्यता है, ऐसी कहानी, ऐसी इतिहास है, माने गए हैं कि जब गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था वैशाली में, जो कि कोल्हुआ ग्राम में है, अप्पो दीपो भवा, जो उनका अंतिम उपदेश था, उनके अंतिम कथन थे, जो अंतिम उपदेश रहा, जब वहाँ से देने के बाद वो यहाँ पर आए थे और यहाँ एक रात रुके थे, और यहीं पर उन्हें सब कुछ त्याग दिया था, जो इनके कमंडल था, जो भी चीज़ था, अपने भिक्षुओं को, जो अपने जो उनके जो अनुयायी रहे थे, उन्हीं को देते हुए आगे कुशीनगर चल गए, जहां उन्होंने महापरिनिर्वाण किया, अपना देह त्याग कर दिया। और उसी सम्मान में बताया जाता है कि उन्हीं के स्मरण में यह स्तूप, ये विशाल स्तूप बनाया गया था। और इसकी जो खोज की गई थी, जो कह सकते हैं कि ये बहुत पहले ये मिट्टी में दबा हुआ था, वर्तमान में देख रहे होंगे कि आधा हिस्सा तो है, लेकिन इसका जो आधा हिस्सा है वो अभी भी मिट्टी में ही दबा हुआ आपको दिख रहा होगा। और लगभग माना जाता है कि जो कर्नल मैकेंजी थे, जो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, और उन्हें ही भारत का ASI का, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे फ्रॉम इंडिया का, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारत देश के कई सारे ऐतिहासिक साक्ष्य को उजागर किया, बहुत सारे ऐसे एविडेंस लोगों तक बताया कि हमारा जो इतिहास था, कितना गौरवशाली इतिहास रहा, वैभवशाली इतिहास रहा, उसी को लेकर उन्होंने उजागर किए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, और जो अभी देखेंगे ना स्तूप, इस स्तूप की संरचना को लेकर, मतलब एक चीज़ है, इसकी जो समानताएं देखते हैं ना, जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में एक देश है इंडोनेशिया, उसी में एक जगह का नाम है बोरोबुडूर, वहीं पर एक जो बौद्ध टेम्पल है, उसकी ढांचा और इसके ढांचा में बहुत सारी समानताएं देखने को मिलती है, कि दोनों में जो समानता है वो एक जैसी है, क्योंकि उसका जो आप आर्किटेक्चर देखिएगा और ये देखिएगा, दोनों आपको एक जैसा ही दिखेगा। इसकी भव्यता देखते बनती है, हालांकि उसके ऊपर जाना प्रतिबंधित है, इसलिए प्रयास है कि साइड से दिखा दिया जाए। बजाना अलाउड नहीं है क्या इसके ऊपर? वहाँ पर लिखा हुआ था इसलिए। और इसका जो ढांचा देखेंगे ना, जैसे ये जो ईंट का निर्माण किया गया है, आपको ठीक वैसा ही दिखेगा जैसा कि नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय में देखा होगा, जैसे आपने उदयपुरी विश्वविद्यालय में देखा होगा,
यहाँ तक जितने प्राचीन भारत के समय के जो आर्किटेक्चर रहे होंगे, जो ईंट का निर्माण किया गया होगा, से चूना से पत्थर से और जो ईंट के मिक्स होते हैं ना पाउडर, उसके मिलाकर इसका निर्माण किया गया होगा। वर्तमान में इसके ऊपर लेप भी लगाया गया होगा, लेकिन ये लगभग 2500 साल के अराउंड का होगा। तो समय खराब ये ढह गया, टूट गया, जिसके वास्तविक जो रूपरेखा थी वो टूटती चली गई। ये विश्व विख्यात, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। मैं बार बार कहना चाहूँगा पूरे विश्व का, बिहार ही नहीं है, देश का नहीं, विश्व का। अब तक का जो वर्तमान कितने ही बौद्ध स्तूप पाए गए हैं, उस सबका अब तक का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है ये। लगभग 70 से 80 फीट तक की उसकी ऊंचाई रही होगी। अभी 145 है, इसके दो गुना नीचे दबा हुआ है। और हर बौद्ध को देखेंगे जो उसकी जो होती है वो गोलाकार में होता है। जितने बौद्ध, भले आपने वहाँ पर देखा हो, जितने बौद्ध प्रतिमाएं रही होगी, जैसे आपने वैशाली में भी देखा होगा, उसके गोल को बनाया गया है, गोलाकार में बनाया जाता है। अभी इसका निर्माण कार्य चल रहा है और से माना जा रहा है कि इसे पूरे एक समतल भाग में बना दिया जाएगा, क्योंकि बरसात के मौसम में पानी आता है, जो पानी भर जाने के कारण यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ पाते और यहाँ का मेंटेनेंस रख रखाव में बहुत कमियाँ आ गई। इसी कारण ASI ने अपना दायित्व का निर्वहन किया और उसका पुनर्संरक्षण किया जा रहा है। ऐसा मानता है कि अभी इसके अंदर भी और अगर खुदाई की जाएगी तो अभी इसकी जो है लगभग 10 से 20 फीट नीचे और भी इसके मिलने की संभावनाएं हैं, जिससे कि इसका जो कुल हाइट है ना, कुल ऊंचाई लगभग 100 फीट के अराउंड, यानी कि 10 मंजिला इमारत के बराबर इसकी बौद्ध स्तूप की निर्माण हो सकता है। जगह जगह देख रहे होंगे या ऐसे रख बैठने के लिए या ध्यान के लिए है, हो सकता है खुदाई हो तो यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ मिलने के साक्ष्य के अनुमान लगाए जा सकते हैं। इसके टूटने का कारण क्या रहा होगा, अभी तक इसका साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन सारी काम चल रहा है। अनुमान है कि बहुत शीघ्र इस पर काम भी हो जाएगा, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये बैठने के लिए होगा या कक्ष के रूप में होगा या ध्यान मुद्रा के लिए होगा, ताकि बौद्ध स्तूप के पास बहुत सारे ऐसे कक्ष आपने पहले भी देखे होंगे, चाहे नालंदा में हो, विक्रमशिला में हो, उदंतपुरी में हो, ठीक इस तरह के कक्ष आपको हर जगह पूरे घेरे में मिलते हैं, ताकि लोग जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उन्हें स्तूपों के सामने आके ध्यान साधना वगैरह करते हैं। और इसी के आसपास का ये है, इसकी पूरी परिक्रमा करनी होगी। और यहाँ आसपास एक मंदिर भी है, तो देखो रहे हैं ये कौन सा मंदिर है, ये देखते हैं। किस देवी देवता का मंदिर है ये नहीं दिख पा रहा, लेकिन ये मंदिर है। यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दे रखे हैं ASI द्वारा। ये प्रोटेक्टेड डॉग मोनूमेंट्स है, जो कि एक राष्ट्रीय संरक्षण के अंदर में आता है। इसका आप क्षेत्र देख रहे होंगे कितना बड़ा है, कहाँ तक सीमित है। ये जो उदली दीवारें आप देख रहे होंगे उसका एक सीमा क्षेत्र तक सीमित किया गया है, ये एक सीमा है। लगा गई है 23 से 24 एकड़ तक में फैला हुआ क्षेत्र है ये भी वर्तमान तक। हालांकि जो वास्तविक रहा होगा इससे ज़्यादा विशाल रहा होगा, क्योंकि बड़े बड़े महाशासक जो उनके बौद्ध धर्म के अन्यायी रहे होंगे, इन्हें और भी भव्यता देने का हर संभव प्रयास किया होगा, लेकिन ये प्रयास जो वर्तमान में देख रहे हैं एक खंडहर तक टूटता चदर अवस्था में दिख रहा है। आवश्यकता है कि इसे पुनर्निर्माण किया जाए, पुनः संरक्षण किया जाए और हर संभव प्रयास किया जाए इसका जो पुराना वैभव है वो वापस आ सके।
ये जो इसका आप इसका पूर्ण रूप देख सकते हैं ढांचे का, जो कि टूटा अवशेष मात्र जो भी बचा हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये बुद्ध की प्रतिमाएं हैं जो अलग अलग ध्यान अवस्था में बताई गई है। हालांकि ऐसे टूट गया या तोड़ दिया गया इसके तक साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन थोड़े बहुत जो भी बौद्ध स्तूप प्रतिमाएँ आप देख रहे होंगे, ये सभी प्रतिमाएँ ध्यान मुद्रा में हैं, जो कि ज्ञान की प्राप्ति को दर्शाया जाता है, जो कि उन्हें जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में उसी समय का बताया जाता है, मतलब उसी के प्रतीक को बताया गया जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप देखे होंगे अलग अलग तरीके से, टॉप में देखिएगा तो एक प्रतिमा है, उसके बाद तीन तीन करके और भी होगी, और भी मूर्तियाँ उस तरफ होने की संभावनाएं हैं, लेकिन तब पूरा उत्खनन नहीं होता है, संभावनाएँ कितनी सही है कितनी गलत इसका अनुमान बताना अभी सही उचित नहीं होगा। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए। हमारा जो इतिहास रहा, जो विश्वविख्यात इतिहास रहा, हम कितने विश्वविख्यात रहे, गौरवशाली वैभवशाली इतिहास रहा, शायद ऐसा इतिहास पूरे विश्व में किसी देश का रहा हो, इसकी गोद में कई धर्म पले बढ़े हैं, जिसकी उत्पत्ति हुई हो, हम उसी मगध की मिट्टी से आते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।